There are people. Stay as classic here. It's going to be a long and grueling race over 3,000 meters in heat, temperatures touching 33 degrees, and the people too. High hopes to automotive. Automotive to mystify. पैसे कितने? पूरे 5 लाख. ₹200 रीगल फ्लावर. हाँ. जोगर. ओ क्या बात है जोगर? आज का दिन तमाशा ही देखना. तमाशा देखने तो रोज आता था, आज तो जीतने आया हूँ. क्या मतलब? वो देख पहली रेस. हाँ होप जा देख. यार वाकई हाई होप जीती है यार, तूने तो रंग दिखा दिया. यार तूने तो सिर्फ अभी एक शो देखा, दूसरा जाके देख. हा? वो देख ऑटोमोटिव जीत रही होगी, जा देख. ऑटोमोटिव? ओ यार ₹200 ऑटोमोटिव. यही को 50,000? नहीं नहीं 1,00,000. अरे पूरे 5 लाख लगाए मैंने, 5 लाख. इस जैकपॉट को मैं ही जीतूंगा, मैं करोड़पति हो जाऊंगा. जा जाके देख, मेरी मिस्टिफाई जीतती होगी. जा. थोड़ी मिस्टिफाई हार गई है मेरे यार, तुम्हारे 5 लाख रुपए डूब गए. बुरी तरह बर्बाद हो गया. मैडम मिस्टर जो वुड लाइक टू सी यू. हेलो मैम. मैं कम इन मैम. आओ जोग, बैठो बैठो प्लीज बैठो. लोला जी मैं बर्बाद हो जाऊंगा. तुम बर्बाद हो गए हो और इसकी जिम्मेदार आप. बिल्कुल मैं हूं, लेकिन तुम तो अकलमंद आदमी हो जोग, तुम इस जाल में कैसे फंस गए? मैंने तुम्हें कुछ घोड़ों के नाम दिए थे, अब उन पे खेलना ना खेलना ये तो तुम्हारा फैसला था, लेकिन तुम खेले और वो भी चोरी के 5 लाख रुपए के साथ. नहीं जोग, ये फैसला तुम्हारा था, ये और बाकी सारे फैसले तुम्हारे खुद के थे. फिर भी मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ कि तुम्हारी बर्बादी के जिम्मेदार मैं. समझ में नहीं आ रहा ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या करूँ? जोग, आदमी अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे फैसले तब करता है जब उसकी अकल काम करना बंद कर देती है. अब मिसाल के तौर पे तुम अपने आप को ले लो. तुमने रेस कोर्स पे चोरी के 5 लाख रुपए हार दिए, तुम्हारे ताश का घर भर भरा के गिर गया और तुम्हारी अकल ने तुम्हारा साथ देना बंद कर दिया. तुम भाग के मेरे पास चले आए. क्यों? क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक इंसान है जो तुम्हें इस मुसीबत से निकाल सकता है और वो हूं मैं. लेकिन मैं जबरदस्ती किसी की मदद नहीं करना चाहती. एक आजाद देश के आजाद वासी होने के नाते यह फैसला तुम्हें खुद करना चाहिए. तो क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने अपने घुटने टेक? तुम फिर अपनी अकल का इस्तेमाल कर रहे हो जोग. तुम्हारे मेरे बीच कोई ईगो ट्रिप नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहती हूँ.
इसमें हर्ज क्या है? ये तो दुनिया की रीत है, लोग एक दूसरे के काम आते हैं। लेकिन ये फैसला तुम्हारे खुद का होना चाहिए। मुझे 5 लाख रुपए अभी इसी वक्त मिल जाएंगे, लेकिन पहले कुछ कागजी बातें हो जाए। तुम लॉयर हो, ये बातें अच्छी तरह समझते हो। क्या? 5 लाख रुपए के बदले में अपना मामूली सा सिग्नेचर नहीं दोगे जोग? वैसे भी तुम्हारे पास कौन सी जायदादें हैं जो मैं अपने नाम कर दूंगी? मुझे 5 लाख रुपए चाहिए जल्दी। इतनी जल्दी क्या? वो राहुल ने मुझे पैसे दिए थे जमीन के एग्रीमेंट के लिए। अगर वो डील आज नहीं हुई तो वो जमीन बिक जाएगी। वो जमीन बिक चुकी है। क्या? जी हाँ। तो फिर मैं राहुल से क्या कहूंगा? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब तुम रेस खेल रहे थे मैं वो लैंड की डील कर रही थी। अभी क्या? तो तुमने और क्या समझा था? इस कागज में क्या लिखा? ये तुम्हारी गुलामी का घोषणा पत्र है। इट्स अ मैनिफेस्टो ऑफ योर स्लेवरी जोक। और हाँ, आज के बाद तुम मुझे आ और मैडम करके पुकारोगे। इज दैट क्लियर? मेरे शेर, क्या तरक्की की है तुमने? आओ आओ आओ। अरे वाह, अरे वाह। That's wonderful, Papa. That's really wonderful. मैंने तो हमेशा यही कहा है कि दादी जी की विल पावर बहुत स्ट्रांग है। ये बात तो मैंने बहुत कम लोगों में पाई है जो करण खन्ना में है। वो क्या? अरे the ability to surprise, the ability to overcome. अरे ये उन लोगों में से है जो धूल में से महल खड़ा करते हैं, और वो भी एक बार नहीं, बार बार। अरे इनके हाथ पांव बांध दो, लोहे की पेटी में बंद कर दो, जमला में फेंक दो, आधे घंटे में गोल मार्केट में गोलगप्पे खाते दिखाई देंगे। ठीक कह रहे हैं आप, मेरे किसी भी पेशेंट में इतनी फास्ट इंप्रूवमेंट नहीं की। आई थिंक दिस इज अ रिकॉर्ड। आप चाहें तो इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दे सकते हैं। वैसे अभी इनके सरप्राइज खत्म नहीं हुए हैं। अच्छा, और क्या क्या छुपाया जा रहा है भाई? राहुल वैसे बात तो बहुत अच्छी है पर मुझसे रहा नहीं जाता। रंग में भंग करने मेरी पुरानी आदत है, मैं बाज नहीं आ सकता। चक्कर क्या है कि तेरा बाप जल्दी क्यों ठीक होना चाहता है? अरे उम्र हो गई, बुढ़ापा आ गया, लड़का जवान है, बहू है, एक अच्छा सा पोता है, धंधा बढ़िया चल रहा है। अरे कुर्सी पकड़ के आराम से बैठ जाए। तो क्या चीज है जो इसमें जोश और जवानी से भर दी जा रही है? मैं भी हमें जवान लगता है। काश पूछो कि मुद्दा क्या है। डैडी जी आप इतना साफ बोल रहे हैं। ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट पापा। अरे भाई तुमने तो मेरी बोलती बंद कर दी। सुनो, सिर्फ चलने का प्रैक्टिस किया कि हाथ पाथ भी चला लेते हो? इम्तिहान ले रहे हो? हाँ बेटा, चल चेकबुक निकाल। ऐसा है, जरा यहाँ अपनी चिड़िया बिठा दो। मतलब दस्तखत कर दो, सिग्नेचर। ये फाइल मिस्टर जोग ने तैयार किया या दिलीप अंगल ने? जोग साहब ने तैयार किया। दिलीप साहब ने कहा कि आप इसे एक बार चेंज करें। अगर कोई चेंजेस होता है ये क्लॉजेस तो सब ठीक है।
बस इस फाइल की एक कॉपी तुम ऑफिस में सबमिट जरूर कर देना। नहीं नहीं, अच्छा उस प्रॉपर्टी के आसपास मार्केट कितनी दूर है? अच्छा हमारा वो एग्जॉस्ट खराब हो गया था ना, किचन का बोर्ड ठीक करा? जी हाँ, वो ठीक है। अच्छा साथ में एसी भी चेक करवा लेना ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। मैं तमन साहब। हाय, कब इन नताशा? ये लो। यस नताशा। सही, ये महक कैसी है? महक? लेकिन मुझे तो कोई महक नहीं आ रही। इट्स अ वेरी फाइन, वेरी इंटॉक्सिकेटिंग स्मेल। पता नहीं, गुलाब की तो नहीं है? सर, इट्स योर परफ्यूम दैट्स इंटॉक्सिकेटिंग। लेकिन ये तो बहुत पुरानी परफ्यूम है क्या? ब्रूट? हाँ। नो, इट्स अ वेरी नाइस स्मेल। बट इट्स वेरी माइल्ड। Natasha? Hi, Lola. Natasha, when you're quite finished, mere office mein aa jana. Yes, of course. Kya baat hai, Lola? Koi kaam tha? Kuch nahi. नताशा, तुमने कंपनी के अकाउंट्स देखे? यस मैम। एनीथिंग आई शुड नो अबाउट? एक बहुत अनयूजुअल चीज है, पता नहीं आपके लिए सिग्निफिकेंट है या नहीं। बैठो। कहो क्या बात है। जब से कंपनी फॉर्म हुई है तब से एनुअल नेट प्रॉफिट का 10% कोई मिस थेल्मा है उनके नाम पर जमा किया जा रहा है और ये अनडिस्टर्ब तरीके से आज तक चला आ रहा है। That is very significant. It's very unusual क्योंकि अब उन शेयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट पे रेट बढ़ रहा है। क्या तुमने कैलकुलेट किया है कि वो पैसा आज कितना है? Yes, करीब 1,10,00,000। 1,10,00,000? It's great to be back. It's good to have you back, Daddy. Mm-hmm.
ऑफिस में मैंने दिन रात काम किया है, ये लोग मेरे साथ ही पता नहीं कितने अरसे से मेरे साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आज ऐसा लगा जैसे मैंने पहली बार मिला। ये सब जो मैंने अपनी मेहनत से जुटाया है, सब मेरा लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा आज आप बहुत दिनों के बाद ऑफिस आए ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। नहीं आए, मुझे ऐसा लगा था जब मुझे अटैक हुआ तो कि मैं खत्म हो गया हूँ, मेरी जिंदगी बस उस कुर्सी में बैठे बैठे खत्म हो जाएगी। फिर रहीम चाचा ने मुझे एक बार कहा था कि जो तुम्हारी पुरानी यादें हैं उनको अपनी ताकत बनाओ। There was also a friend of mine. मैंने उसको बोला था कि I'm capable of playing test cricket, and he said, and I said I am being made to play counties. So he said, you play your counties well. Well said, I thought. So that gave me a drive, and I said कि मुझे वहाँ से उस खाई से बाहर निकलना है, और I have to come back to this chair, to my work. और इसी काम के जरिए मैं अपने खुदा को, अपने भगवान को प्रेयर्स ऑफर करता हूँ। That's my strength. बाबा अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। अरे भाई सीखना तो मुझे भी बहुत कुछ है, लेकिन इस वक्त मैं बिजी हूँ, बाद में मिलता हूँ। बाय बाय बेटे, बाय बेटे। अगर जब आप आए हैं तो थोड़े चेक साइन कर जाइए। वाह, चेक याद दिला दिया, थैंक यू वेरी मच बेटा। अरे ये क्या कर रहा हो? आज से साइन वाइन करने का सरदर्द तुम्हारा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी पावर बटाने। लेकिन कुछ दिनों में डैडी जी बाहर जाएंगे तो पावर बटाने की जरूरत तो पड़ेगी। हाँ, ऑस्ट्रेलिया जाने की बात चल रही है, बिजनेस ट्रिप पर। लोला कह रही थी कि हमको इंटरनेशनल ब्रांचेस खोलनी चाहिए, और वैसे भी मेरे ऑस्ट्रेलिया में कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं। हाँ हाँ, हम जानते हैं तुम्हारे कितने कॉन्टैक्ट्स हैं। नहीं डैड जी, आप जरूर जाइए ऑस्ट्रेलिया, और वहां जाके थेल्मा आंटी को ढूंढ के हमारे पास वापस लेके आइएगा हमारे साथ रहने के लिए। कितना मजा आएगा ना राहुल। पापा लोला एकदम सही कह रही है, और मैं तो बचपन से उसे मिलना चाह रहा हूँ। पता लोला, बचपन में मैं पापा से कहा करता था कि आप थेल्मा आंटी को हमारी मम्मी बना कर ले आइए। वाह, यहाँ तो सब राजदा है। मैं तो अपने आप को अकेला समझ के राज की नजाकत को छुपाने के चक्कर में पहलिया बुझा रहा था। खैर छोड़ो, तुम्हारा जाना तो पक्का हो गया ना।